और कहा गया है कि विधायक वहां पहुंचे जहां भी बुलडोजर पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। शाहीबाग में पिछले दिनों क्या हुआ, आप वहां पहुंचे थे, उसकी थोड़ी कहानी बताइए कि आप कब पहुंचे, कैसे पहुंचे, आपको क्या जानकारी मिली थी? मुझे वहां लोगों के मकान तोड़ रहे थे तो मैं वहां पहुंचा, मैंने अपोज किया तो इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। मुख्यमंत्री किस आपको बताया क्या गया, आप गिरफ्तार हुए, अब ये अभियान छिड़ गया है दिल्ली में कि जहां जहां बुलडोजर जाएगी वहां कार्रवाई होगी, विधायक आएंगे, अगर जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे, आप इस मामले में जेल में? जहां भी ये गरीबों के मकान तोड़ना हो हम लोग वहां पहुंचेंगे, और उसके लिए हमें अगर गिरफ्तार करेंगे हमें जेल में जाना पड़ा तो हम सब उसके लिए तैयार हैं। क्या कहा, अगर हमारे जेल जाने से गरीबों के मकान बचते हों तो हम जेल जाने को तैयार हैं। क्या मीटिंग में क्या रहा है? ये है कि दिल्ली में किसी भी गरीब का मकान नहीं तोड़ने देंगे। आम आदमी पार्टी का विधायक जिस इलाके में ये डेमोलिशन करने जाएंगे वहां पर आम आदमी पार्टी का विधायक, सारे कार्यकर्ता, सारे लोग पहुंचेंगे। बीते दिन आपकी गिरफ्तारी हुई थी, क्या मुखालफत करेंगे ताकि गरीबों के मकान बच सके, और उसके लिए अगर सबको जेल भी जाना पड़े, लोग गिरफ्तारी वगैरह करें तो सब लोग। अमानतुल्ला जी, आज आप बैठक में इतनी लेट क्यों पहुंचे आज इस बैठक में? मुझे असल में 11:30 बजे का शेड्यूल था और मुझे इतला नहीं हो पाई थी तो मैं 11:30 के हिसाब से आया था, फिर बाद में शेड्यूल चेंज हो गया था, 11:00 बजे हो गया। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग जेल जाएं लेकिन लोगों को रोके, उसके कोई चर्चा हुई कि जेल जाने, अगर जेल जाना, अगर ये अरेस्ट भी करते हैं, अगर हम देखिए हम तो अपोज करेंगे, आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ है, तो अगर किसी भी गरीब का ये मकान तोड़ेंगे या उसका कारोबार छीनेंगे या उसका रोजगार छीनेंगे तो हम लोग डटकर इनका मुकाबला करेंगे, अपोज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, मौके पर पहुंचेंगे। उसके लिए अगर ये हमें गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी, गिरफ्तारी हमें करें तो उसके लिए नहीं है, एक आबादी को नहीं है तो हर गरीब आदमी के पीछे पड़े, पूरी दिल्ली में ये लोग अभियान चल रहा है। मेरे इलाके में जो मदनपुर खादर था वो तो वहाँ तो सारा कह रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। देखिए जिनके पास ये सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है तो इन्हें पता होगा ना कहा है बांग्लादेशी, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते ये लोग, ये बिला वजह इस नाम पर करते हैं। रोहिंग्या अगर कहीं है तो इन्हें नहीं मांगेंगे, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है, पुलिस इनके पास है, बॉर्डर इनके पास है, नेशनल में ये है, तो ये तो सब बकवास की चीज़ें हैं, कहीं कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं है, अगर कहीं है तो इन्हें मालूम होना चाहिए, गिरफ्तार करने को भी टारगेट करेंगे जो बाहर से आए हुए लोग।